हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज हम आपसे बात करने वाले हैं फोनों के इश्यू से रिलेटेड। तो कौन से फोन में क्या क्या इश्यू चल रहे हैं ये देखने के लिए आप बस वीडियो को पूरा देखें। हम चैनल के लोगों डालते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, ये इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। मैं रोज के बेसिस पे एपिसोड नहीं निकालूंगा, मंथली बेसिस पे निकालूंगा। जैसे फोन आएंगे नए नए, उनके इश्यूज देखूंगा किसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो उनको छोड़ दूंगा और फिर अगले एपिसोड की तरफ बढ़ेगा, अगले फोनों की तरफ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो यार। मैं अभी इश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा फोनों के, हर महीने आएगा ये एपिसोड। अगर फोन बीच में 3-4 फोन लगातार लॉन्च हो गए, इनमें इश्यूज आ रहे तो वो बताऊंगा। तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं और कुछ नया चीज लाते हैं आपसे, आपको बताएगा कौन की इश्यूज चल रहे फोनों में अनबॉक्सिंग, और कोई कर लेता। मैंने कहा थोड़ा अलग करते हैं। तो आता है सबसे पहले हमारा वन प्लस। यार बहुत ज्यादा चल रहा है वन प्लस आजकल अपना ग्रीन स्क्रीन इश्यूज की वजह से। तो सबसे पहला यार एक ट्वीट मेरे को मिला, उसमें लिखा हुआ है वन प्लस 8 में ग्रीन स्क्रीन हो गया, अचानक से ही ग्रीन पैनल आ गया, पूरा पैनल ग्रीन हो चुका है। और सर्विस सेंटर कह रहे हैं फ्री डिस्प्लेसमेंट इज ऑनली एप्लीकेबल ऑन ग्रीन लाइट। तो गाइस देखो यार, आपका आपकी कंपनी के फोन में अगर इश्यूज आ रहा है तो आपको सॉल्व तो करना चाहिए। वो पूरा पैनल चेंज करा गया, फोन नहीं लेगा बंदा, तो ये गलत बात है। वन प्लस 8 का इशू है ये, और बंदे के पूरी ग्रीन लाइन की जगह पूरा ग्रीन स्क्रीन हो गया। ये नई चीज आई है, हमेशा ग्रीन लाइन दिखता था, अब नई चीज कर दी है वन प्लस वालों ने। अभी अगली बात करते हैं तो वन प्लस का आता है अपना ही फोल्डिंग फोन, जिसे कहते हैं वन प्लस ओपन फोल्ड। तो काफी अच्छा फोन है, पर इसमें भी यही है स्क्रीन के टिंट इशू आ रहे हैं, ग्रीन टिंट इशू, और जो स्क्रीन डॉट आ जाती है छोटी सी या लाइन आ जाती है वो वाले इशूज आ रहे हैं अभी उसमें। मैं फोल्डिंग के हिंज में कोई इशू नहीं देखने को मिला, पर ये वाले इशूज बहुत ज्यादा चल रहा है। देखते हैं अब कब तक सॉल्व करते हैं वन प्लस। वैसे तो इनके कोई भी फोन में अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, पुराने फोनों में भी इश्यूज चल रहे हैं नए अपडेट के साथ, पता नहीं कब वन प्लस सही करेगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी वन प्लस के फोन अवॉइड करो। मैंने पहले भी आपको बताया था एक एपिसोड में कि आप अपने वन प्लस के फोन अवॉइड करो, कैमरे में मच्छर बैठ गए गाइस। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि आपको वन प्लस के फोन अवॉइड करो, क्योंकि अभी यार ग्रीन स्क्रीन इशू आ रहा है। 140,000 का अगर आप फोन लोगे, उसमें भी अगर ग्रीन लाइन का इशू आएगा तो कैसे यार आपको पैनल चेंज करेंगे, फिर नहीं आ देंगे तो फोन में वो वाली बात नहीं रहती जो पहले से होती है। तो ये मेरे को गलत लगा है वन प्लस ने, 1.5 लाख का फोन निकाला उसमें तो कम से कम सही करनी चाहिए इनको अपनी डिस्प्ले। तो बस यही वन प्लस के इशू चल रहे हैं। मैं तो वन प्लस अभी कह रहा हूँ रहने दो आप। और अगले फोन आता है हमारा रेडमी। अगला फोन हमारा आता है गूगल पिक्सल 8। तो अभी लॉन्च किया गूगल पिक्सल 8, और इसमें इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, बैटरी बहुत कम है, लाइफ ड्रेनिंग के इश्यूज, हीटिंग इश्यूज। तो मैंने ये देखा फ्लिपकार्ट के रिव्यू में भी भरे पड़े थे, बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन कर रही है, हीट कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज लिखे हुए है। तो मुझे लगता है पिक्सल 8 अभी आपको लेना चाहिए, पिक्सल 8 प्रो जरूर ट्राई करो, 8 में बहुत ज्यादा इश्यूज है। पर जो गूगल फैन है वो तो लेगे। देखो एक लिखा हुआ है कि इन्होंने रिव्यू, वेरी पुअर बैटरी ओनली गेटिंग स्क्रीन ऑफ टाइम ऑफ 3-4 आवर। इतना कम स्क्रीन टाइम भाई कैसे चलेगा गूगल। तो मेरे को लगता है अपडेट के बाद शायद कर लेगा, अभी मत लो गूगल 8, 3-4 महीने बाद लो, क्योंकि वो नए जो फोन आते सही करेगा, अभी जो स्टॉक हो चुका है वो तो करते ही है, जैसे निकल गया निकल गया, अपडेट्स और समय के साथ वो सही कर देते अपने फोन। तो आप 3-4 महीने बाद ट्राई करो, पर 8 प्रो जो आया उसमें कोई इशू नहीं, वो ट्राई कर सकते हो, 20-30 हजार का फर्क है, या फिर आईफोन 15 आप इसके ट्राई कीजिए। और अगली हम बात करते हैं इशू के, तो आता है अपना प्यारा सैमसंग। तो सैमसंग यार 1.5 लाख का फोन निकालता है, तो उसमें भी अगर इश्यूज मिले तो कैसे चलेगा। सबसे पहले फोन तो सैमसंग का है नोट 20 अल्ट्रा, तो उसमें भी ग्रीन लाइन इशूज आया है, ये तो बहुत कॉमन हो गया ग्रीन लाइन, हर फोनों में ग्रीन लाइन आ रही। मेरे दोस्त भी है, उसके डिस्प्ले में नीचे से ब्लीड हो गई है डिस्प्ले, और उसके हाथ से फोन जब गिरा तो एक ग्रीन लाइन भी आ गई थी। तो ऐसे हुआ है, पहले नहीं जो स्क्रीन बिल्डिंग होता उसमें कुछ नहीं होता, पर जब ग्रीन लाइन जब आई तो वो दुखी हो गया, कह रहा है कैसे करूँ, सर्विस सेंटर कराएगी नहीं कराएगी, मैं जाके बात तो करूँ वहाँ पे। तो मेरे को यार सैमसंग वालों से ये उम्मीद नहीं थी, अगर आप 1 लाख का फोन दे रहे हो उसमें कम से कम सॉल्व तो करना चाहिए। नोट 20 अल्ट्रा का इशू मैंने ट्विटर पे देखा, ट्वीट आ रहा था, कोई सपोर्ट भी नहीं करता ऐसे यार किसी को, कोई यूट्यूबर ने भी रिस्पॉन्स नहीं देता इसके ऊपर। तो मैंने देखा कि फोन डिडंट फेल डाउन और ऐसे करके इन्होंने लिखा था, तो मेरे को लगता है रिप्लेसमेंट देनी चाहिए कंपनी वालों को। आपका 1 लाख का फोन किसी ने लिया है तो अगर डिस्प्ले भी लगवाने जाएगा तो 20,000 तक की तो आएगी इतने महंगे फोन की डिस्प्ले। और एक आता है अब अगला इश्यूज हमारा सैमसंग फोल्ड से रिलेटेड। यार आज तो बहुत बड़े पड़े इश्यूज, कैसे करूँ सॉल्व। तो आता है सैमसंग जी फोल्ड 4। ये एक बड़े मतलब सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है ये, जी लाइफ स्टाइल डेयरी करके, तो इन्होंने के भी इशू आ रखा है कि सैमसंग जी फोल्ड 4 डैश 5 20 इंटरेस्ट। तो इनका मतलब रीव सीरीज का जो फोल्ड सीरीज का फोन है वो खराब हो गया, उनके डैड कहते हैं कि नॉर्मल यूज करते हैं ऐसे बंद करते हैं प्यार से खोलते हैं, और इनका फोन अभी चल नहीं रहा, तो ऐसा इशूज आया 1.5 लाख के फोन में। तो यार फोल्डिंग फोन में तो इशूज वैसे चल रहे, किसी की लाइन आ गई, किसी की कुछ, बाकी नॉर्मल फोनों में इशूज है। तो मेरे को नहीं लगता भी इनके फोल्डिंग फोन तो ट्राई करो,
आप 1 लाख के ऊपर सैमसंग या वन प्लस ट्राई बिल्कुल मत करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं। और 30-40 हजार का फोन हो तो बंदा सॉल्व भी कर लेता है, 10 हजार की डिस्प्ले नहीं आती या 5 हजार की नहीं आती तो वो बंदा सॉल्व कर लेता, पर इतने महंगे फोनों की डिस्प्ले लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक आ रहा है सैमसंग Z Fold 5 से, तो मेरे को ये पता है हिंज का इशू है, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन आ चुकी है फोन के डिस्प्ले के, तो मुझे वो हिंज का इशू लग रहा है। तो डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है यार, डिस्प्ले ऐसे खोलोगे तो उसके हिंजेस के इशूज तो बहुत पुराने से चल रहे हैं, बहुत टाइम से सैमसंग के फोल्ड में इशू चल रहे हैं। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे सही होगा, पर मेरे हिसाब से ये जो फोन मैंने बताया आज, ये बिल्कुल मत लो। और एक रह गया आप हमारा आईफोन 15 प्रो। प्रो मैक्स में वैसे मेरे को इशू देखा नहीं, पर थोड़े बहुत लोग कह रहे हैं कि हीटिंग इशूज है, इनमें हीटिंग इशूज चल रहे हैं। जो नई बॉडी थी उसमें हीट एकदम उबल जाता है फोन, टाइटेनियम निकाल नहीं पा रहा है इसकी हीट को, बाकी जो पहले मटेरियल देते थे उसमें हीट आराम से निकल जाती थी। तो आईफोन 15 प्रो वैसे तो सब लोग ले गए, तो इसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। बाकी यार ऐसे फोन बहुत सारे हैं, यार तो मैंने इतने कवर किए हैं, अब कोई नया फोन आएगा वो अगले महीने में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या इशू है। बाकी बने रहना वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता है किसी नई वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट किए। बाय बाय।